हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज हुआ एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, प्रोटेक्टर बोनस सावन को खत्म करने के लिए एक सैनिक को बनाया। इसके साथ ही उसने सैनिक से सावन पे अटैक कर दिया, पर सावन ने उसे कुछ ही समय के अंदर खत्म कर दिया। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। सीन सिप्रू के धर्म प्रोटेक्टर वो को देखते हैं, जो कि काफी हैरानी से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा सैनिक पाइथन इस लड़की के सामने कुछ समय भी नहीं टिक पाया। वो भी डिसबिलीव से सावन की तरफ देख रहा था, तभी उसने किसी चीज को महसूस किया। उसने देखा कि सावन अपनी जगह से डिसअपीयर हो चुका है। ये देखने के साथ ही प्रोटेक्टर वो आसपास देखने के साथ ही कहते हैं, आखिर ये लड़का कहाँ पर गया। कुछ समय ढूंढने के बाद भी उसे नहीं मिलता, जिस वजह से वो परेशान हो चुका था। तभी उसके सामने वाला स्पेस डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसकी अगली पर वहाँ पर आ चुका था सावन, जिसके हाथों में फायर लोटस होता है। इसके साथ ही उसकी एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो चुका था। वो प्रोटेक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये अटैक मेरे मास्टर के लिए, जिसे तुमने कैप्चर कर लिया है। ये कहते हुए उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो चुका था, जैसे उसने इस शब्द को कहा था। उस समय हम देखते हैं उस फायर लोटस को, जो की काफी स्पीड से प्रोटेक्टर वो की तरफ जाने लगती है। इधर फायर लोटस को अपनी तरफ आता देख प्रोटेक्टर वो घबरा जाता। वो समझ चुका था कि इसके अंदर काफी पावर है, इसलिए अगर उसने अपनी पूरी पावर नहीं लगाया तो वो यहीं पर मारा जाएगा। इस थॉट के साथ ही उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गया। इसके अगले पल हम देखते हैं वो अपनी पूरी बुद्धि की कीमत से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। इसके साथ ही साथ उसने अपने रेड ऑरे से अपने आप को चारों तरफ से लपेट लिया था, ताकि उस लोटस का इस्तेमाल उस पर कम से कम हो। हम देखते हैं वो दोनों जैसे आपस में कोलाइड होती है, उस समय वहाँ पर एक डिस्ट्रक्शन फैल गया था। इसके साथ ही वो आसपास एनर्जी उसकी फैलने लगती। इसे देखने के बाद तो वो सभी हैरान हो गए थे। इसके साथ ही साथ उनकी नजर लगातार प्रोटेक्टर और सावन पे होती है, लेकिन अब एनर्जी की वजह से वो किसी को भी नहीं देख पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें नहीं पता होती आखिर सावन और प्रोटेक्टर को क्या हुआ। तभी एक शख्स कहता है, इस लड़के ने तो 5 मिनट के अंदर अंदर इस गेम को ही पूरी तरह से चेंज कर दिया। इस लड़के ने तो एक परफेक्ट काउंटर अटैक इस पे कर दिया, और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो रेड वाला पर्सन काफी घबरा चुका है इस अटैक को देखने के बाद। वास्तव में कहा जाए तो ये लोग अभी काफी हैरान थे, क्योंकि सावन की स्ट्रेंथ थी डाउजुंग के 2 स्टार, जबकि प्रोटेक्टर वो डाउजुंग के 8 स्टार पे है। लेकिन फिर भी उसने ऐसी हालत कर दी। उसकी एनर्जी को महसूस करने के बाद आइस रेवरवे का फर्स्ट एलर जो की टैन जून जैसे लड़ रहे थे, वो खुद हैरान हो जाते हैं। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया, सचमुच ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने फ्यूचर में भी ऐसी इसकी बढ़ोतरी जारी रखने दी तो ये फ्यूचर में आइस रिवर वैली के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसे यहीं पर खत्म होना होगा। ये सब सोचते हुए काफी मात्रा में किलिंग इंटेंट के साथ सावन की तरफ देख रहे थे। इसके बाद उसकी नजर जाती है आइस रिवर वैली के एल्डर्स पे, जो की अभी बाजू में खड़ी होती है। इसीलिए उसे विश्वास था की वो सभी मिलकर टैन जुनजे यानी की सावन को कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए उसकी फिर से नजर जाती है टैन जुनजे पे। वो टैन जुनजे की तरफ देखते हुए उससे क्या था, तो फिर फाइट को स्टार्ट करते हैं। ये कहने के साथ ही वो टैन जुनजे पे फिर से अटैक करते हैं। सीन सिप्रू के धर्म ई फैमिली में अंदर देखते हैं, जो की अभी सावन के पावर को देखने के साथ ही वो सभी काफी हैरान होते हुए कहते हैं, इस लड़की की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही फैमिली के हेड सोचने लग गए थे कि तभी तो मैं सोचू आखिर सिनलैंग कैसे कह रही थी कि ये लड़का हमारे क्लैन को बचा सकता है। सचमुच सिनलैंग ने सच कहा था, इस लड़की की स्ट्रेंथ इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि ये हमारी सहायता कर दे। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के साथ ही उनके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, लेकिन वो किसी चीज को सोचने के साथ ही वो टेंशन में आ जाते हैं। इसके अगले पल उनके माइंड में एक थॉट आता है। वो अपने मन में कहता है, क्या सावन हमारी मदद करेगा, क्योंकि हमने पिछली बार उससे अच्छे से व्यवहार नहीं किया था। शायद ऐसा हो भी सकता है कि ये लड़का हमारी मदद कर दे, क्योंकि हमने इस बार इसकी सहायता की थी। ये सब सोचते हुए थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर फिर से हम प्रोटेक्टर वू को देखते हैं। अभी के समय वो काफी घायल दिख रहा था। इसके साथ ही उसके आसपास जो कोई रेड ऑरा फैला होता है, वो भी डिसअपीयर हो चुकी थी। इससे ये बात क्लियर हो गई थी कि इस हमले में उसने अपनी पूरी पावर लगा दी थी इस हमले को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी ऐसी हालत हो गई। इतना पक्का था, अगर उसने अपनी पूरी पावर यहाँ पर नहीं लगाती तो वो यहाँ पर जरूर जान से मारा जाता, यानी कि उसकी सोल डिसअपीयर हो जाती। अब जैसे उसके आसपास से रेड फॉग हटती है, तो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वो सभी अपने मन में कहता है, ये तो एक सोल बॉडी है, ये होल ऑफ सोल और इसके लोग काफी स्ट्रेंज है, तभी तो मैं सोचूं आखिर होल ऑफ सोल सोल बॉडी को ज्यादा कैप्चर क्यों करती है। और इसी तरह से होल ऑफ सोल के बारे में ऐसे डिस्कस होने लगते हैं। इधर जैसे प्रोटेक्टर वही इन वर्ड को सुनता है, तो वो काफी गुस्से में आ चुका था। इसके अगले पल उसकी नजर जाती है अपने सामने वाले इंसान पे, जिसे देखने के साथ ही वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, इस लड़के को थोड़ी सी भी चोट नहीं आई। हम इधर सावन को देखते हैं, जिसकी बॉडी पे एक खरोच भी नहीं आई थी। प्रोटेक्टर वो अभी के समय बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि कुछ सालों वाले पहले के ज्ञान को वो काफी आसानी से मसल सकता था, लेकिन अब जो उसके सामने एक्सपर्ट है वो कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा हम उसकी सोल बॉडी को देखते हैं, जो की लगातार जल रही थी। जैसे की अगर आपको पता हो तो हेवनली फ्लेम में सोल बॉडी को नष्ट करती है, यानी कि पेन देती है। उसी तरह होल ऑफ सोल यानी कि प्रोटेक्टर वो की सोल बॉडी थोड़ी बहुत जल रही होती है, इसलिए उसे दर्द हो रहा था। इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे होल ऑफ सोल से मदद लेनी होगी,
ताकि इस लड़के को कैप्चर कर सकूं। जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था तभी उसने किसी चीज को महसूस किया, जिस वजह से वो जल्दी से अपनी बॉडी को मूव करता है। जैसे उसने अपनी बॉडी को मूव किया उसी समय हम देखते हैं वहाँ पर स्पेस डिस्ट्रॉय हो चुका था, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर ऑपिनेबल के साउंड का घुसन आ चुका था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रोटेक्टर उस समय रहते हुए वहाँ से बच गया, नहीं तो सावन का ये अटैक से और भी घायल हो जाता। अब अपने पंच को मिस होता देख सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो प्रोटेक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम होल ऑफ सोल की औकात यही है, जैसे तुम्हारी डेड फॉग हटती है तो उसी समय तुम शेर से बिल्ली बन जाते हो, और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ऐसी बात है तो मैं यहाँ से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये कहने के साथ ही वो एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसके साथ ही वो अपनी जगह से फिर से एक बार डिसअपीयर हो गया। अब सावन को फिर से डिसअपीयर होता देख उसकी हालत खराब हो गई। वो अपने मन में क्या था, इस लड़की की स्ट्रेंथ काफी टेरिफाइंग हो चुकी है, अगर मैं अपनी पीक स्ट्रेंथ में होता यानी कि कंडीशन में होता तो मैं इस लड़के से नहीं डरता, लेकिन उस फायर लोटस ने मेरी हालत ऐसी कर दी जिस वजह से मुझे कुछ भी इस तरह से यहाँ से निकलना होगा। ये सोचने के साथ ही वो अगले पल ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो थोड़ा बहुत दूर जा पाता उससे पहले वहाँ पर सावन आ जाता है, जो कि आने के साथ ही उसका एक अटैक उस पर हिट हो जाता है जिस वजह से वो घायल हो चुका था। इसके साथ वो पीछे आ जाता है, लेकिन उसने अपने पास जो सोल था उसने उसे सेक्रीफाइस कर दिया, नहीं तो इस अटैक की वजह से वो मारा जाता। तभी वो एल्डर सेंक की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मेरी मदद करो नहीं तो ये लड़का मुझे यहीं पर खत्म कर देगा। इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे डार्क एक्सप्रेशन आ चुका था। इसके साथ वो एक पंच पावरफुल पंच बनाकर उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। इस पंच में इतनी दुई की भरी हुई थी कि अगर ये पंच उससे हिट हो जाता तो प्रोटेक्टर वो के सोल वहीं पर डिसअपीयर हो चुका था, यानी कि डिसअपीयर हो जाता। लेकिन इससे पहले वो पंच उससे लगता है उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पर कोई आ जाता है, या और कोई नहीं बल्कि एल्डर सेंक होते हैं। एल्डर सेंक को अपने मामले में बीच में पड़ता देख सावन गुस्से में आ जाता है। इसके साथ ही वो कहता है, तुमसे सब नहीं हो रहा। ये कहने के साथ ही उस पर फिर से अटैक आता है, लेकिन एल्डर सेंक ने सावन के अटैक को डोज कर लिया था। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं उसे कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं। सीन शिफ्ट हो गया इधर हम होल ऑफ सोल के उसी प्रोटेक्टर वो पे देखते हैं, जो कि आइजरे वैली के उस एल्डर सेंक से कहता है कि तुम इस लड़की को कुछ समय तक रोक के रखो, क्योंकि कुछ समय के अंदर यहाँ पर होल ऑफ सोल का एक्सपर्ट आता ही होगा। मैंने उन सभी को मैसेज भेज दिया, इसलिए तुम इंतजार करो, और अगर तुम मेरी मदद करते हो तो होल ऑफ सोल इससे काफी खुश होगा। इसके साथ ही वो तुम्हें काफी अच्छा इनाम देगा। प्रोटेक्टर वो की बातों को सुनने के बाद तो एल्डर सेंक काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये फ्रेंडशिप ये तो काफी अच्छा है, इसके साथ ही मुझे काफी सारे रिवॉर्ड भी मिलेंगे, बस मुझे किसी भी तरह से इस लड़के को ढीले करवाना होगा। ये सोचने के साथ ही उसकी नजर जाती है अपने दो एल्डर पे, जिसे देखने के साथ ही वो कहता है, तुम दोनों भी मेरे पास आ जाओ इस लड़के को रोकने के लिए। उन दोनों की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो डाउजों के 7 स्टार पे होते हैं। लेकिन तभी पहले एल्डर को देखते हैं, जो कि उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है कि अगर हम इस सावन पे हमला करें तो ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा और इससे हमारी आइस रिवर वैली के नाम खराब हो सकता है। अभी वह सुनने के साथ वो काफी गुस्से में आ जाता है। इसके साथ ही वो कहता है, क्या तुम इस लड़की की स्ट्रेंथ नहीं देख रहे हो कितने भयंकर है। अब कोर्स उन दोनों को काफी डर लग रहा था, इसलिए वो किसी भी तरह से मना करना चाहता था। अब एल्डर सेंक के बार बार कहने पे वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि अगर वो सावन के सामने जाते हैं तो उनकी अच्छी खासी बैंड बजेगी, लेकिन वो किसी भी तरह से एल्डर सेंक को भी नाराज नहीं कर सकते थे। इधर सावन जैसे देखता है कि उसके सामने डाउजुन के 7 स्टार के 2 एक्सपर्ट और आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अभी उसे टियान जुनजे की टेक्निक याद आती है, जिस वजह से हम देखते हैं वो टियान जुनजे की एक टेक्निक को परफॉर्म करने लग गया था। अब अगर आपको पता है कि ये टेक्निक कौन सी होने वाली है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही मुझे पता है कि ये नॉइज भी आ रहा होगा बैकग्राउंड में, इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन इस वीडियो को मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके सजेशन देना, क्या मुझे रात को रिकॉर्ड करना चाहिए फिर नहीं, यस या नो में आंसर दे देना। तो फिर मैं मतलब किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।